शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन मिस्टर मनु परचेड इन टू थाउजेंड सिक्स सेवन फॉर रूपीज फोर लाख एटी एट थाउजेंड ये परचेज प्राइस हो गया और खरीदा था टू थाउजेंड सिक्स में एक प्लॉट इट वॉज सोल्ड जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर फॉर रूपीज सिक्सटीन लाख एटी थाउजेंड एंड पेड वन लाख रूपीज एज ब्रोकरेज इस प्लॉट को इन्होंने बेचा है पंद्रह जनवरी दो हजार चौबीस में सोलह लाख अस्सी हजार का ये सेल्स प्राइस हो गया ठीक टू थाउजेंड सिक्स सेवन में खरीद के चौबीस में बेचा गया है तो ये चौबीस महीने से क्योंकि ज्यादा एसेट था मिस्टर मनु के पास तो इस वजह से ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज यहां पे निकलेगा ठीक आगे लिखा ही पेड वन लाख एज ब्रोकरेज तो भाई इसको हम सेल्स में से लेस करते हैं तब आता है नेट सेल्स ठीक ही इन्वेस्टेड रूपीज टू लाख इन एनएचए बॉन्ड्स ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड थर्टी थ्री लाख थ्री लाख टेन थाउजेंड इन बॉन्ड्स इशूड बाय आरईसी लिमिटेड यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑन वन अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है तो आपको देखते ही यह समझ जाना चाहिए था कि एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेच के अगर बॉन्ड्स ऑफ एनएचआई, पीएफसी और आरई इन तीनों में इन्वेस्ट करते हैं तो सेक्शन नंबर फिफ्टी फोर में डिडक्शन मिलता है देखो यहां पे फिफ्टी फोर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के एनएचआई का बॉन्ड खरीदना या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बॉन्ड या फिर पी लिमिटेड का तो यहां इन दोनों का खरीदा गया इसलिए डिडक्शन मिलेगा आगे यहां पढ़ो इसमें जो एग्जन कितना मिलना था वो था द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन्वेस्टेड तो ठीक है वो तो सब में रहता है लेकिन आगे लिखा है मैक्सिमम एग्जेम्पन ऑफ रुपीज फिफ्टी लाख यानी कि फिफ्टी फोर ईसी में आप पचास लाख से ज्यादा का एग्जेमशन नहीं दे सकते ठीक कंप्यूट इज टैक्सेबल कैपिटल गेन्स इफ द कैपिटल कैपिटल इन्फ्लेन इंडेक्स फॉर रूपीज सॉरी कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर रूपीज फॉर सिक्स सेवन वॉज वन ट्वेंटी टू एंड ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर इज थ्री फोर्टी एट तो हमको टैक्सेबल कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है इंडेक्स दे रखा है 122, 6, का और ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर का है थ्री फोर्टी एट सॉल्यूशन देखते हैं सेवन का सबसे पहले आप लिखोगे सेल्स सीधे आउटर कॉलम में तो कितने का बेचा गया यहाँ पे प्लॉट सिक्सटीन लाख एटी थाउजेंड का कुछ एक्सपेंसेस दे रखा है हाथ दे रखा है ब्रोकरेज तो वो एक्सपेंसेस माना जाता है सेल्स पे तो आप यहाँ लिखो लेस ब्रोकरेज ऑन सेल्स कितना है 1 लाख ,00 रुपीज और कुछ नहीं है सीधे आउटर कॉलम में लिख लो वन लाख ,00 रुपीज इसको आप लेस कर लो सेल्स में से सिक्सटीन लाख एटी थाउजेंड माइनस वन लाख ये हो गया फिफ्टीन लाख एटी थाउजेंड पंद्रह लाख अस्सी हजार ये क्या आ गया ये आ गया नेट सेल्स ठीक उसके बाद देखो ये प्लॉट को खरीदा गया था सिक्स सेवन में बेचा गया है ट्वेंटी फोर में तो कोई भी असेट अगर 24 महीने से ज्यादा रहता है स्पेशली प्लॉट और रेजिडेंशियल बिल्डिंग इन सबके केस में 24 महीने से ज्यादा तो फिर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाता है और वहां पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज लेस होता है कहने का मतलब सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज लेस नहीं होगा इंडेक्सिंग निकलेगा तो आप लिखो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ परचेज इसका फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ परचेज यानी कि कितने का खरीदा गया फोर लाख एट्टी एट थाउजेंड का मल्टीप्लाइड बाय सेल ईयर इंडेक्स तो 2324 का इंडेक्स है 348 फोर्टी एट अपॉन परचेज ईयर इंडेक्स सिक्स सेवन में खरीदा गया था 6, का इंडेक्स क्या है 122 ठीक है सॉल्व कर लो इसको आप फोर कॉस्ट ऑफ परचेज इनटू सेल ईयर इंडेक्स अपॉन परचेज इंडेक्स फोर लाख एटी एट थाउजेंड मल्टीप्लाइड बाय थ्री हंड्रेड फोर्टी एट डिवाइड बाय वन हंड्रेड ट्वेंटी टू ये हो गया थर्टीन लाख टू थाउजेंड इंप्रूवमेंट है नहीं सीधे आउट ऑफ कॉलम मिलेगी तो थर्टीन लाख नाइन्टी टू थाउजेंड इसको आप लेस करो नेट सेल्स में से ये हो गया वन लाख एटी एट थाउजेंड ये क्या आ गया ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब आगे बोला है कि इन्होंने इन्वेस्ट किया है एनएचआई बॉन्ड्स में और आरईसी के बॉन्ड्स में ठीक तो कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट का सोल्ड हो रहा हो और एनएचआई के बॉन्ड आरईसी के बॉन्ड और पीएफसी लिमिटेड के बॉन्ड अगर खरीदे गए हैं तो सेक्शन फिफ्टी ईसी में डिडक्शन मिलता है तो आप यहां लिखो लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन फिफ्टी ईसी ठीक और इसका मैक्सिमम एग्जिमेशन लिमिट है फिफ्टी लाख ठीक तो सबसे पहले यहां लिख लो कि एनएचआई बॉन्ड्स कितने के हैं टू लाख रुपीस का इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि एक और है आगे है आरईसी के बॉन्ड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड थ्री लाख टेन थाउजेंड ठीक इन दोनों को आप ऐड कर लो ये कितना आ रहा है टू लाख प्लस थ्री लाख टेन थाउजेंड अब देखो ये आ रहा है फाइव लाख टेन थाउजेंड अब ऐसे तो फिफ्टी फोर ईसी में जो एग्जेम्पन लिमिट है वो फिफ्टी लाख है लेकिन वो फिफ्टी लाख एग्जेपन लिमिट तब है जब ये जो ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ये भी तो उतना हो या उससे ज्यादा हो और हमने क्या पढ़ा है एग्जेपन केवल हम उतना ही देते हैं किसी भी सेक्शन में जितना यहाँ पे ग्रॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उतना ही ठीक तो ये जो डिडक्शन का अमाउंट है वो आ रहा है फाइव लाख टेन थाउजेंड और जो एक्चुअल में इनको कैपिटल गेन हुआ है वो है वन लाख एटी एट थाउजेंड का ठीक तो एग्जेम्शन भी केवल इतना ही मिलेगा वन लाख एटी एट थाउजेंड ये हो गया नील तो मतलब कि जो मिस्टर मनु है उनको टैक्सेबल कैपिटल गेन कुछ नहीं हुआ यहां पे नील रहेगा